यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आजमगढ़ थाना निजामाबाद हत्या में दो अभियुक्त गिरफ्तार। पूर्व की घटना आजमगढ़ वादी अर्जुन कुमार पुत्र रूपचंद निवासी कुकुडीपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ की बहन फूलमती देवी उम्र लगभग 36 वर्ष की शादी लगभग 15 वर्ष पहले लालजीत पुत्र ज्वाला प्रसाद निवासी गंधुवई थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के साथ हुआ था, जिनके 3 लड़कियां एक लड़का भी है। ससुराल वाले दहेज के लिए आए दिन प्रताड़ित करते रहते थे। दिनांक 27 जून 24 को वादी की बहन फूलमती देवी के ससुराल वाले पति लालजीत देवर विजय कुमार, नंद मनीता और सास स्रोति देवी ने मिलकर मारा पीटा और जबरदस्ती जहर पिला हत्या कर दिए। वादी के प्राशून्य पत्र के आधार पर दिनांक 28 जून 24 को थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 316/24 धारा 302 IPC बनाम लालजीत पुत्र ज्वाला प्रसाद विजय कुमार पुत्र ज्वाला प्रसाद मनीता पुत्री ज्वाला प्रसाद स्रोति देवी पत्नी ज्वाला प्रसाद निवासी गण ग्राम गंधुवई थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 25 जून 24 को थानाध्यक्ष सच्चिदानंद यादव व पता चला कि ग्राम गंधुवई में आई हुई है, जल्दी किया जाए तो पकड़ी जा सकती है। मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तागण को उनके घर ग्राम गंधुवई से हिरासत पुलिस में लिया गया। नाम पता पूछने पर अपना नाम स्रोति पत्नी स्वर्गीय ज्वाला प्रसाद निवासी गंधुवई थाना निजामाबाद आजमगढ़ उम्र 60 वर्ष मनीता पुत्री ज्वाला प्रसाद निवासी ग्राम गंधुवई थाना निजामाबाद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष बताए। अभियुक्तागण को कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 1:40 पर हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तागण को नियमानुसार न्यायालय जेल भेजा गया। आजमगढ़ निजामाबाद से श्याम जन्म यादव की खास रिपोर्ट।